अक्षय कुमार ने फिर दिखाई अपनी दरिया दिली। मुंबई के सिनेमा हॉल के लिए बढ़ाया सपोर्ट। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार बॉलीवुड के ऐसे स्टार है जो हमेशा नीडी पीपल को मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। पीएम केयर्स फंड को 25 करोड़ की मदद करने के बाद अब अक्षय कुमार हैज ऑफर टू हेल्प मुंबई सिनेमा हॉल गेटी गैलेक्सी ओनर टू पे हिज स्टाफ। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई सिनेमा हॉल के ओनर को अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए लोन निकालना पड़ा था। उन्होंने इस बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा, 3 days ago आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अक्षय जी। ही ऑफर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इफ द सिनेरियो कंटिन्यूज। इट वॉज काइंड ऑफ हिम टू ऑफर हेल्प, बट वी शुड फाइंड अ वे टू सस्टेन आवरसेल्व्स। We have managed to collect enough funds to pay the salaries for this month, but the theater shutdown will have long-term ramifications. Our focus is to ensure we don't trim staff or resort to pay cuts. Getty Galaxy Mumbai ka one of the famous theater hai, jahan aksar sitare apne films ko promote karne jaate hai. Well, Akshay ke is help se dawa hai ki Mumbai Cinema Hall ke owner ko aur un staffs ko zarur rahat milegi. अक्षय के इस हेल्पिंग हैंड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तब तक डालिए एक नज़र उस वीडियो पर जहां अक्की पाजी ने सभी कोरोना वॉरियर्स को किया है दिल से शुक्रिया। दोस्तों, कल मेरी बात मुंबई पुलिस के एक अफसर से हो रही थी। मेरा दोस्त है, उनकी एक लाइन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कह रहा था कि अक्षय, कमाल है ना, आप लोग अपने घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं, और आयरनी की बात यह है कि हम अपने घर जाने से डर रहे हैं। सारा दिन सड़क पे रहते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, कई बीमारियां अपने घर वालों को ना दे दें, इसलिए हम घर नहीं जाते 10-10 दिन 12-12 दिन। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम सेफ रहें इसके लिए कितने लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए दिन रात काम कर, हमारी पुलिस फोर्स, नगर निगम के वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, अलग अलग एनजीओ के वॉलंटियर्स, हमारे सरकार के लोग, राशन वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, बिल्डिंग का जो वॉचमैन है वो भी, और भी ऐसे कई ज़रूरी काम करने वाले बहुत से लोग हैं। एक मैं समझता हूँ एक पूरी आर्मी है जो 24 घंटे काम कर रही है ताकि हम और हमारे परिवार सुरक्षित रहें। और हम लोग क्या कर रहे हैं, घर बैठकर फिल्में देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, बस यार। एक थैंक यू तो बनता है, दिल से थैंक यू बनता है। मेरे अगले ट्वीट में, इसके बाद जो ट्वीट डालूंगा, मैं सबको अपने और अपने परिवार वालों की तरफ से दिल से थैंक यू करूंगा। अगर आप चाहें तो मेरा अगला ट्वीट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपना नाम और सिटी रिप्लेस करके कोई भी सोशल मीडिया जिस पर आप हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम पर शेयर करें #दिल से थैंक यू के साथ। गाइज, लेट्स शो आर ग्रैटिट्यूड बिकॉज दैट इज द लीस्ट वी कैन डू। अपना ध्यान रखें।